हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बाबा गजी है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, लगातार हम लोग इधर कंटिन्यू बिहार एसएससी बिहार पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बताइए दोस्तों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आई एम ऑडिबल और नॉट? सब कुछ सही है? चलिए तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? जबरदस्त, शानदार, क्योंकि भैया देखा जाए तो बिहार एसएससी मेंस का भी रिजल्ट आने वाला है ना, बिहार टीचर का भी रिजल्ट आने वाला है। यानी बिहार की जो पटरी गाड़ी है वो पूरी तरह पटरी पे दौड़ रही है। यूपी में भी ऐसा ही हाल है, एसएससी तो रेगुलर है ही, थोड़ा सा जो डिले है वो रेलवे है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि रेलवे भी अपनी गति जो है वंदे भारत उस गति से बिल्कुल चलेगा, है ना। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहां पे आपको जीके जीएस का पूरा फुल सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं तो एक मैं रात में प्लान कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बहुत जल्द आपको वो देखने को मिलेगा, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदर्श, पवन जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वर्मा जी, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 है और वही प्रश्न जो आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि मैं वही सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहा हूं जो इधर पेपर में पूछा गया, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, उत्तराखंड का एग्जाम हो, हिमाचल का एग्जाम हो, मध्य प्रदेश हो, या छत्तीसगढ़ या झारखंड या बिहार, है ना। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज फिर से आपको 35 सवाल देखने को मिलेगा, 35 क्वेश्चन, और आज क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा मैंने अलग रखे हैं, अलग इन द सेंस कि करीब करीब आपको 10 क्वेश्चंस आपको लगेंगे तगड़े वाले, जो सीजीएल मेंस या आईसीएआर का जो पेपर हुआ था आपको याद होगा, उस लेवल के जो आए थे, है ना। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और डैश की स्वतंत्रता प्रदान करती है, अवसर की, शिक्षा की, सहभागिता, धर्म। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड डैश। क्या होगा जरा बताइए, बताओ क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और किसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है। चलिए हमारे हम सफर आ गए साथ में, तो क्या निकल कर आएगा बच्चों जवाब इसका? सर ऑप्शन नंबर 2, धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करती है। जबकि आप अवसर की बात करें दोस्तों, तो ये अवसर कहां दिखेगा आपको? ये फंडामेंटल राइट्स में दिखेगा, आर्टिकल नंबर 16 में, कि सबको एक समान अवसर मिले, सबको एक समान अवसर मिले, ये आपको दिखेगा फंडामेंटल राइट्स में। एजुकेशन की बात करें दोस्तों, तो ये भी आपको कहां दिखेगा? फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज में, डीपीएसपी में भी है। कैसे सर? फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 21A, फंडामेंटल ड्यूटी 11th ड्यूटी, और डीपीएसपी में 45 नंबर जो आर्टिकल है उसमें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। अगर आप प्रीएम्बल की बात करें, प्रस्तावना की बात करें दोस्तों, तो आपको पता होनी चाहिए कि सर ये हमने संविधान में यूएसए से लिया, इसकी भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है, और एक बार संशोधन किया गया प्रस्तावना में अभी तक, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, और 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि जो एडिशनल फैक्ट बताते जा रहे हैं उसे मेंशन करते जाइएगा। आइए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद, आर वेंकट रमन, वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, गुड मॉर्निंग रत्नाकर साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ना समझ में आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड व्हाइल इन ऑफिस, क्या होगा जरा बताइए। चलिए जवाब आ गया पवन जी का, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा पक्का ये है, अब तक दो ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जो पद पर मृत्यु हुई है। पहला दोस्तों जाकिर हुसैन, और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। अब तक तीन मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, एक कलाम साहब जिन्हें पब्लिक राष्ट्रपति कहा जाता है ना। क्लियर है? अब एक चीज और देखिएगा दोस्तों कि सर ये कार्यकाल है सारे राष्ट्रपतियों का, एकमात्र राष्ट्रपति जो लगातार दो टर्मों में पद संभाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, फिर जाकिर हुसैन देखो 67 से 69 इनका अधूरा कार्यकाल, फिर चौथे राष्ट्रपति वेंकटरम जो वीवी गिरी है दोस्तों, और फिर फखरुद्दीन अली अहमद पांचवें राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद पांचवें राष्ट्रपति जिनका भी कार्यकाल में मृत्यु हुआ 74 से 77, और इन्हीं के समय आपातकाल लगा था 1975। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले, ज्ञानी जयाल सिंह आपको याद होगा ये दोस्तों पहले सिख राष्ट्रपति, फिर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा पहले दलित राष्ट्रपति, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फिर पूर्णा मुखर्जी आए, फिर रामनाथ कोविंद साहब, और अभी आप देखोगे दोस्तों तो द्रौपदी मुर्मू जो 15वीं राष्ट्रपति है 25 जुलाई 2022 से, इंडिया जो फर्स्ट ट्राइबल सेकेंड और सबसे कम एज, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति जो संथाल जनजाति से। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। आइए आगे, तीसरा ओजोन कंसंट्रेशन की बात करें, ओजोन सांद्रता को मापने के लिए जो सबसे आम यूनिट है, आम इकाई है, वो क्या है दोस्तों? चेन, रॉड, स्टैट्यूट माइल, डॉब्सन यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो दोस्तों ओजोन सांद्रता यानी ओजोन की थिकनेस मोटाई हम मापते हैं डॉब्सन यूनिट से। किससे मापते हैं? डॉब्सन यूनिट से। ओजोन की बात करें दोस्तों तो 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओजोन बच्चों कहां मिलेगा आपको? सर समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में, जिससे यूवी रेज से हमारी रक्षा करता है, स्किन कैंसर से बचाता है, है ना। क्लियर है? तो डॉब्सन यूनिट बच्चों याद रखिएगा, क्या है ये दोस्तों? डॉब्सन यूनिट। ठीक है, आ जाओ आगे। अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? भारत और सिंगापुर, भारत और फ्रांस, भारत और मलेशिया, भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? क्वेश्चन नंबर 4। चलो बताओ तो दोस्तों अग्नि वॉरियर की बात करें बच्चों ये भारत और सिंगापुर के बीच है, इंडिया और सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए इसका है, इंडिया और सिंगापुर के बीच। सर ये अग्नि वॉरियर जो 12th एडिशन था कहां पर हुआ दोस्तों? तो इस बार भारत में हुआ, याद रखिएगा कहां पे? देवलाली महाराष्ट्र में। कब? तो 30 नवंबर 2022 को। कहां पर हुआ? देवलाली महाराष्ट्र में। और इस दौरान स्वदेशी रूप से निर्मित जो आर्टली गन है वो पार्टिसिपेट किया, और विजर तोप है, टैंक है, वो पार्टिसिपेट किया था यात्रा। ठीक है, अभी आगे डोस मोचे और लोसर एक फेस्टिवल है दोस्तों, भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5। डोस मोचे एंड लोसर आर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा जरा बताइए। चलिए दो समेत मोचे और लोसर की बात करें तो ये लद्दाख है। अरे लोसर से निकल जाएगा, लोसांग होता तो हम सिक्किम बात करते,
अगर लोसांग बोलता तो हम सिक्किम सोचते। अरे बस समझ में, सर आप लोग ये क्यों बोलते हैं पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, तभी से हिंदू मुस्लिम होता है ना, यही पढ़ाया जाता है, ओवरऑल से बोलना चाहिए ना। तो क्या बोलें बता दीजिए आप, ठीक है आपका कहना, क्या बोलें, सवाल बनेगा क्या बोलें जरा आप बता दो, कि मुस्लिम राष्ट्रपति ना बोल के क्या बोलें, कि तीसरे राष्ट्रपति हैं, क्या बोलें जरा आप बता दीजिए, आप जो बोलिएगा वही बता देंगे। बताओ भाई चंदन जी का जवाब दे दो, क्या बोला जाए भैया, 2024 में चुनाव है, क्यों अभी परेशान हो, अभी फोकस करो ना पढ़ने पर लेके, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, मणिपुर, गोवा, गुजरात, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ग्रांट इंडस्ट्री स्टेटस टू रिपोर्ट स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ बच्चों क्या होगा। तो दोस्तों ये मिजोरम है। अच्छा जरा बताइएगा, खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया गया है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनाया गया, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करें, खेल विश्वविद्यालय की बात करें, ये मणिपुर है, और रक्षा विश्वविद्यालय दोस्तों हरियाणा। क्लियर है, खेल विश्वविद्यालय मणिपुर, ठीक है आ जाओ। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके विचारों पर आधारित थी, हैरोडोमर, प्रशांत चंद्र महलनोबिस, के एन राज, गाडगिल फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 7, द सेकेंड फाइबर प्लान वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ हैरोडोमर, प्रशांत चंद्र महलनोबिस, के एन राज, गाडगिल फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 7, तो दोस्तों ये पीसी महलनोबिस के विचार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना, अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये बच्चों 1956 से 61 है, 1956 से 61, जो पूरी तरह से इंडस्ट्री पर बेस था, इंडस्ट्री पर बेस। पहला हैरोडोमर है दोस्तों जो 51 से 56 है, और गाडगिल फॉर्मूला याद रखिएगा ये चौथा है, फोर्थ, 1969 से 74, 69 से 74, हम सफर भाई वो तीसरा नहीं चौथा है गाडगिल फॉर्मूला, ओके ये चौथा है गाडगिल फॉर्मूला याद रखिएगा। प्लानिंग कमीशन दोस्तों आपको याद होगा ये हमने यूएसएसआर या रशिया से जो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। बारहवां पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो 2012 से 17 है, ये लास्ट पंचवर्षीय योजना था, अब क्या है नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। हाँ जी रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा आगे, भारत में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोस्तों पड़क्कल में स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पड़क्कल आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड, क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कर्नाटक में बच्चों, ये कहां है पड़क्कल, कर्नाटक, कहा है मेरे भाई कर्नाटक, है ना। तो पड़क्कल जिसे रक्तपुर कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों रक्तपुर, भारत के कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में मालप्रभा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है, यूनेस्को ने अपने लिस्ट में कब शामिल किया है, सुजाता जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 1987 में शामिल किया है, और यह चालुक्य राजवंश द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बने 9 हिंदू और जैन मंदिर के रूप में फेमस है दोस्तों। यहां दोनों शैलियां विकसित हुई हैं, जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की शैली द्रविड़ शैली है, और उत्तर भारत में नागर शैली, जो नागर शैली की बात करें तो जो आपका राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है वो नागर शैली,
क्लियर है। हाँ जी, कर्नाटक में जो होयसल है उसे 42वें नंबर पर रखा गया है इस बार, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके चलिए चलते हैं। शांति निकेतन 41वां है सैयद जी, शांति निकेतन जो है वो 41वां है, वेस्ट बंगाल बीरभूम वाला, जिसका निर्माण टैगोर साहब ने कराया था। अच्छा, वाट वेंट रॉन्ग एंड वाई पुस्तक किसने लिखी थी? हु हैज रिटन द बुक वाट वेंट रॉन्ग एंड वाई? एमजे अकबर, शशि थरूर, जसवंत सिंह, किरण बेदी, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए जल्दी रीड फास्ट। तो दोस्तों वाट वेंट रॉन्ग एंड वाई पुस्तक की बात करें, किरण बेदी जो पहली महिला आईपीएस रही है, भारत की पहली महिला उपराज्यपाल रही है पुडुचेरी, कौन है? किरण बेदी। क्या है दोस्तों? किरण बेदी। दोस्तों किरण बेदी की अन्य पुस्तकें आप देख सकते हो, इट्स ऑलवेज पॉसिबल, एज आई सी, ब्रूम एंड ग्रूम, ये पूछा है कई बार एसएससी, हिम्मत है, क्रिएटिंग लीडरशिप, इंपावरिंग वीमेन, ये किरण बेदी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, याद रखें, ठीक है? किरण बेदी है ना। अच्छा, किस पर्यटन स्थल को मूर्ति कला के तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है दोस्तों? विच टूरिस्ट प्लेस इज नोन एज पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर? उज्जैन, खजुराहो, ओरछा, मांडू, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो दोस्तों खजुराहो का नाम सुना होगा आपने, जो मध्य प्रदेश में है, जो चंदेलों की राजधानी, चंदेलों ने बनाया था इसे दोस्तों, आपको याद होगा चंदेला, तो खजुराहो है ना। जबकि उज्जैन, महाकाल मंदिर, छिप्रा नदी के किनारे दोस्तों, ये क्या है? खजुराहो। फेयरलेस गवर्नमेंट आया था पेपर में, क्या बात। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है दोस्तों, यह हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिरों के एक समूह है, यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो नागर शैली से बना है। किसे बना है? नागर शैली से, याद रखिएगा, जिसका निर्माण चंदेल राजवंश के द्वारा कराया गया था, ठीक है। आ जाओ 11 नंबर। मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, क्वेश्चन नंबर 11। मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? क्वेश्चन नंबर 11। चलो बताओ, मुल्ला पेरियार बांध की बात करें बच्चों, ये केरल में है, पेरियार रिवर, पेरियार रिवर, लेकिन इस डैम पर अधिकार किसका है? तब याद रखना, तमिलनाडु का राइट है। किसका अधिकार है? तमिलनाडु का, है ना, तो याद रखना। ये बांध दोस्तों किस नदी पर? पेरियार नदी पर, केरल में, और इस पर अधिकार किसका, मैनेजमेंट किसका? तो तमिलनाडु का, इसलिए विवाद चलता है। तो याद रखिएगा, ये सवाल कई बार रिपीट किया है, कई बार पूछा गया है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? लाल किला, एलोरा की गुफाएं, सांची स्तूप, रानी की वाव, क्वेश्चन नंबर 12। चलो जल्दी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बताओ दोस्तों कि विच इमेज इज ऑन द बैक ऑफ 20 रुपीज नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज दोस्तों? तो ये क्या होगा? एलोरा की गुफाएं। ऐसा क्यों हुआ? ये शुरू से चलता आ रहा है, एलोरा की गुफाएं। दोस्तों मैंने कई बार बताया, पैसे को याद रखने का बहुत आसान तरीका है। कैसे भाई? जिनके पास जितना पैसा वो देख पाएंगे। 10 रुपए में आप ओडिशा का कोणार्क देख पाओगे, 20 रुपए में आप एलोरा ही देख पाओगे, 50 रुपए में हम्पी देख पाओगे जो कर्नाटक में है। आ रही बात समझ में? 10 रुपए में आप कोणार्क देख पाओगे, 20 रुपए में एलोरा देख पाओगे, 50 रुपए में हम्पी देख पाओगे। इसके बाद दोस्तों 100 रुपये लगाओगे तो गुजरात में रानी का वाव देख लोगे, 200 रुपए लगाओगे तो सांची का स्तूप देख पाओगे जो अशोक ने निर्माण कराया, 500 रुपए लगाओगे तो दिल्ली आओगे और लाल किला जहां जो शाहजहां ने बनाया,
और 2000 रुपया लगाओगे तो पृथ्वी पे टिकोगे नहीं, सीधा मंगलयान चले जाओगे दोस्तों, है ना, तो याद रखें। ठीक है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए। चलो आ जाओ आगे। महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 13। 10 रुपए में कोणार्क बाहर से भी नहीं दिखेगा, रत्नाकर जी दिख जाएगा ना 10 रुपए नोट में, क्यों ना दिखेगा? अब आपके पास 10 रुपए का नोट है तो क्यों ना दिखेगा? तो दोस्तों ये कौन है? सर चंद्रगुप्त प्रथम है, ये महाराजा धीराज की उपाधि, क्योंकि 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत चलाया और रियल फाउंडर है दोस्तों ये गुप्त वंश का, रियल फाउंडर। जबकि दोस्तों आपको याद होगा श्रीगुप्त ये फाउंडर है, चंद्रगुप्त सेकेंड दोस्तों ये विक्रमादित्य थे। मैक्सिमम आरबीआई 10,000 का नोट कर सकते दोस्त, है ना। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, वीणा बजाते हुए, कविराज और हर्षवर्धन दोस्तों उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक। याद है मॉर्निंग मॉर्निंग, है ना, आ जाओ। सितंबर 2022 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? डोनाल्ड ट्रंप, विल स्मिथ, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन। सर 100 रुपए में नोट में एक ही बिल दिखता है, थोड़ी ना टेम्पल दिखता है। रत्नाकर साहब मेरे एक दोस्त है, तो जब हम स्कूल लाइफ में थे तो आज के जैसा ये यूट्यूब मोबाइल था नहीं, तो पता है हम लोग जब मतलब मूवी चेंज होता था तो बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगते थे, तो सिनेमा हॉल के बाहर में पोस्टर लगता था। तो हम लोग का काम क्या होता था कि जिस दिन पोस्टर लगना है उस दिन स्कूल से आते समय साइकिल होता था हाई स्कूल, तो जाकर वो पोस्टर जरूर देखते थे और उसी से खुश हो जाते थे कि आज हमने मूवी देख लिया, कौन कौन सा मूवी लगी है। तो ऐसे ही फील कर लो और क्या, है ना। चलिए दोस्तों, पुराने समय ये था, और आजकल तो भैया इतने ज्यादा सुविधा मिल गए हैं, इतनी ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गई है तो कहना नहीं। चलो जरा ओटीटी प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब बराक ओबामा है, बराक हुसैन ओबामा। 2008 में ये यूएसए के राष्ट्रपति थे दोस्तों, पहले अश्वेत राष्ट्रपति, पहले अश्वेत राष्ट्रपति, याद रखिएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। अब दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि जो ये सवाल है बच्चों कि एमी पुरस्कार जीता बराक ओबामा, तो ये पहले राष्ट्रपति हैं यूएसए के या दूसरे राष्ट्रपति हैं? ओवर द टॉप, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ओवर द टॉप, है ना। तो दोस्तों ये दूसरे राष्ट्रपति हैं, पहले कौन है बच्चों? तो आइजनहावर पहले राष्ट्रपति हैं जो एमी पुरस्कार जीते हैं, याद रखिएगा, सवाल यहां से बनेगा, है ना। तो आइजनहावर के बाद एमी पुरस्कार जीतने वाले ओबामा दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, याद रखिए, है ना। नेक्स्ट, नौटंकी का संबंध किस राज्य से है बच्चों? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15। मैथ में पवन जी एमी अवार्ड नहीं, वो एबल अवार्ड है, एबेल। क्या हो गया आजकल, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है क्या? एबेल अवार्ड है, एबेल, जो पहली महिला केरेन उलनबेक है, है ना। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में ही नौटंकी होता है मेरे भाई, और राजस्थान में आपको याद होगा कलबेलिया, जो जनजाति नाच भी है और एक जनजाति भी है जिसके डांस को सर्प नाच बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, गुजरात में दोस्तों गरबा, है ना, कथक, क्लासिकल डांस, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, तमाशा, गापा, ये सब कहां? महाराष्ट्र। डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर विदाउट द डेल्टा, जरा बताओ। क्वेश्चन नंबर 16। चलो
डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी बच्चों क्या निकल कर आएगा, क्वेश्चन नंबर 16 ऐड आ गया। अच्छा चलो मैनेज कर लो। विच इज द लार्जेस्ट रिवर विदाउट अ डेल्टा, जरा बताओ क्या निकल कर आएगा क्वेश्चन नंबर 16। अरे आसान सवाल है, बोल रहा है विदाउट अ डेल्टा, है ना। हिंदी पढ़ के गलती मत करना, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, सूर्य का निर्माण करती है। फंस गए, कई लोग फंस गए ब्रह्मपुत्रा में। बोला डेल्टा रही तो मतलब डेल्टा नहीं बनाएंगी, विदाउट अ डेल्टा, जबकि ब्रह्मपुत्रा डेल्टा बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलकर डेल्टा बनाते, सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ी डेल्टा। अरे बात समझ में, तो गलती मत करना बिल्कुल। नर्मदा ताप्ती दोनों को जुड़वा बोलते हैं। आ जाओ आगे, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? अब्दुल अली खान, रानी लक्ष्मीबाई, बख्त खान, नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों कानपुर में नाना साहब, जिनका वास्तविक नाम धोंधू पंत है, धोंधू पंत है ना, तात्या टोपे के मदद से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी दोस्तों, और बख्त खान ये सेनापति थे किसके, बहादुर शाह जफर के, बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खान, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, शुरुआत कब हुआ 1857 का विद्रोह, तो सर 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, है ना। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार विजेता किसका नवंबर 2022 में निधन हो गया है? रवि भारद्वाज, विशेष भृगुवंशी, अरविंद अन्ना दुरई, गुलाम अब्बास मुंतशिर। क्वेश्चन नंबर 18। चलो, फॉर्मर इंडियन बास्केटबॉल कैप्टन इन अर्जुन अवार्डी डैश पास्ट अवे इन नवंबर 2022। तो दोस्तों ये कौन है? सर गुलाम अब्बास मुंतशिर हैं, जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया दोस्तों। गुलाम अब्बास मुंतशिर, अगर इनके बारे में बात करें हम, तो भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार विजेता गुलाम अब्बास मुंतशिर का नवंबर 2022 में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने 1969 में और 1975 में एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। 1970 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। कब मिला इनको अर्जुन पुरस्कार? 1970 में, ठीक है। हाँ, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, ठीक है। आ जाओ आगे, विश्व दलीय दिवस कब मनाया जाता है? आसान सवाल है, उम्मीद करेंगे सही बताओगे। वेन इज वर्ल्ड पर डे सेलिब्रेटेड दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19। चलो जल्दी बताओ, विश्व दलीय दिवस की बात करें दोस्तों तो ये 10 अक्टूबर है, कल। अगर आप कम्युनिटी देखते होंगे रेगुलर, तो आपने देखा होगा 10 अक्टूबर को, 10 फरवरी को, 10 फरवरी लगा रहे हो ना, फंस गए। दाल दिवस है, दाल अलग है, इसीलिए कहते हैं कम्युनिटी देख लिया करो। कल हमने कम्युनिटी में इमेज भी डाला था, आप देखते ही नहीं हो। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे, और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे, ठीक है। 10 फरवरी को दलहन दिवस है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं देख लिया करिए। देखो तो विश्व दलीय दिवस दोस्तों की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं 10 अक्टूबर को है, ठीक है। और दोस्तों विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? 10 फरवरी को मनाते हैं, 10 फरवरी को। और दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, दाल का उत्पादन कहां होगा? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाँ, दलिया अलग होता है, ये एक्चुअली ना ये गेहूं का टुकड़ा होता है दोस्त, और ये बहुत सुपाच्य होता है, जिनका लीवर प्रॉब्लम है, जिनका लीवर इशू होता है, तो ये बहुत सुपाच्य होता है, आसानी से पच जाता है, ये गेहूं के टुकड़े होते हैं ये दलिया, ठीक है। बहुत फायदेमंद होता है, बहुत, तो आप भी आसानी से मिल जाता है और बहुत कम रेट में, टेस्टी भी लगता है, ठीक है। आ जाओ आगे, किस अंग्रेज अधिकारी को अंग्रेजी खान के नाम से जाना जाता था दोस्तों?
थॉमस रो, रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, सर विलियम हॉकिंस, क्वेश्चन नंबर 20। विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश खान? सर डाक, हाँ डाक वाला है ना, 9 अक्टूबर को इंटरनेशनल और 10 अक्टूबर को नेशनल। हाँ जी जैस्मिन जी, 9 अक्टूबर को इंटरनेशनल, 10 अक्टूबर को नेशनल है, बिल्कुल करेक्ट है आप। तो दोस्तों सर विलियम हॉकिंस को अंग्रेजी खान कहा गया। सबसे पहले सर विलियम हॉकिंस आया था दोस्तों 1608 में और थॉमस रो आया था 1615 में, है ना, याद रखिएगा। हेक्टर मुनरो जब बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, तब ये सेनापति था अंग्रेज का। और दोस्तों 23 जून 1757 को जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तब ये अंग्रेज का सेनापति था, याद रखिएगा। ठीक है, आ जाओ देखो आगे। तो महारानी एलिजाबेथ और जेम्स प्रथम के बाद जो नए सम्राट विलियम हॉकिंस को किंग ऑफ इंडिया के आधिकारिक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में भेजा 1608 में दोस्तों, ये हेक्टर नामक जहाज से आता है सूरत, है ना, और फिर 1609 में ये आगरा पहुंचता है, जहांगीर से मिलता है। और ये तुर्की अच्छा बोलता था तो इसीलिए जहांगीर ने इसे अंग्रेजी खान की उपाधि दी। ये आप देख सकते हो हॉकिंस की दुर्लभ इमेज। ठीक है, आ जाओ आगे। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीनी के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? 1773, 1784, 1813, 1833, क्वेश्चन नंबर 21, जरा बताइए क्या होगा। बाय विच एक्ट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द ट्रेडिंग ऑफ टी एंड सुगर? तो आसान सवाल है दोस्तों, टी सुगर और चाइना के साथ भी 1833 में, फाइनली 1813 मत लगाना, 1813 मत लगाना, ठीक है, 1813 मत लगाना दोस्तों, क्योंकि 1813 में चाय और चाइना का बना रहा था, उल्टा समझ लिया आप, 1813 में चाय और चाइना के साथ व्यापार बना रहा। अरे बस समझ में, ये क्या पूछा कि चाय को ही समाप्त कर दिया, तो 1833 लगाओ ना, 13 कैसे लगाओगे, क्योंकि 1813 को खत्म हुआ था लेकिन चाय और चाइना का बना हुआ था, याद रखिएगा। ओके, गलती मत करना बिल्कुल, ठीक है। और 1813-33 से याद रखिएगा कि विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बनाया गया था दोस्तों, है ना। चलिए आ जाइए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यमुना और सोन नदी को विभाजित करता है? सतपुड़ा, विंध्य, कैमूर, मैकाल, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स डिवाइड्स द यमुना एंड सोन रिवर्स? तो दोस्तों यमुना और सोन को विभाजित करने वाले कैमूर पर्वत है दोस्तों, गलत है सर पूरी तरह से, तो आप बोले थे अरे मेरे लल्ला, जब पूरी तरह बोलेंगे तो 1833 ही तो है, कैसे गलत है, आप एक बार फिर से देख लेना, है ना, क्वेश्चन को देखना समझना सही हो जाएगा दोस्तों। कैमूर पर्वत, विंध्य मत लगाना, कैमूर पर्वत। सतपुड़ा कैसे लगाओगे? सतपुड़ा की बात करेंगे तो नर्मदा और ताप्ती है दोस्त, सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती है सतपुड़ा मेरे बच्चे, क्योंकि कैमूर पर्वत आप देखोगे कैमूर कहां जाएगा, थोड़ा बिहार टच करेगा, सोन नदी भी बिहार है, ठीक है। तो देखो अगर हम भारत के विभाजन की बात करें तो विंध्याचल पर्वत को भारत का विभाजन मानते हैं, और ये नर्मदा है दोस्तों, ये ताप्ती है, ये सतपुड़ा है, ठीक है। कैमूर पर्वत दोस्तों विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार है, इसका विस्तार जबलपुर मध्य प्रदेश के पास कटंगी से सासाराम बिहार तक है, जिसकी क्षेत्रफल 480 किलोमीटर है, जो यमुना और सोन नदियों को विभाजित करता है, याद रखें। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, गलती मत करियो बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, रंगास्वामी कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप डैश के विजेताओं को प्रदान की जाती है,
कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, क्वेश्चन नंबर 23। द रंगास्वामी कप इज अवार्डेड टू द विनर्स ऑफ द नेशनल चैंपियनशिप। तो दोस्तों ये देखोगे हॉकी है, रंगास्वामी कप किससे दोस्तों, हॉकी है ना। तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है और पहली बार 1928 में ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम में खिलाड़ियों का चयन किया जाए इसलिए शुरू किया गया था। तो ये भी सवाल बनेगा कि पहली बार रंगास्वामी कप कब शुरू किया गया, 1928 में पहली बार हमने गोल्ड भी जीता था एम्स्टर्डम 1928 में और अंतिम बार गोल्ड जीता 1980 मॉस्को में, याद रखें ठीक है। नेक्स्ट ये देख सकते हो दोस्तों कि प्रसिद्ध कप और ट्रॉफियां हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। फुटबॉल का फेमस है संतोष ट्रॉफी, टूरंट कप है ना, अजलान शाह कप, ये आपका हॉकी है, याद रखिएगा बच्चों। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे। अशोक, बिंदुसार, कनिष्क, गौतमी पुत्र, श्री सातकर्णी, क्वेश्चन नंबर 24। अश्वघोष आ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, द बुद्ध चरित्र, महाराजा गोल्ड कप हॉकी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। तो दोस्तों ये आसान है सर, कनिष्क के समय में, और कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक शक संवत चलाया था, आपको याद होगा, चौथी बुद्ध संगीति हुआ था दोस्तों कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क दोस्तों कुषाण का शासक था, कुषाण वंश का शासक था, जिसका फाउंडर कुजूल कडफिसेस है, कुजूल कडफिसेस है, याद रखेगा। सिल्क रूट को कंट्रोल किसने किया था दोस्तों, कनिष्क ने किया था। पहली राजधानी पुरुषपुर, दूसरा कहां पे, मथुरा, ठीक है। अच्छा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, चलिए विचार करिए, इसके बाद विचार करके बताइएगा। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जाकिर हुसैन ने 1878 में की, प्रार्थना समाज की स्थापना 1866 में की, परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में हुई, मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 में हुआ, जरा विचार करके बताइए कि आप क्या विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चलो जल्दी बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार हो गया आपका, कर लिए विचार, कहां जाना है, किससे बात करना है, हमें लगता है विचार कर लिए होंगे किससे बात करना है, कहां जाना है। तो क्या होगा दोस्तों, ओनली 3 और 4, कैसे, क्योंकि अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जाकिर हुसैन नहीं, गलत, और ये 1867 नहीं, ये 1867 है, 66 नहीं। प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, तो ओनली 3 और 4। तो सर पहला क्या होगा, किसने किया था अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, ये दोनों सही है, 3 और 4 है ना। तो दोस्तों आपको याद होगा कि सर सैयद अहमद खान ने 1864 में अलीगढ़ का साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और 1875 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और इन्हें दो राष्ट्र सिद्धांत के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, ये चीजें याद रखें। कई बार आता है तो टू नेशन थ्योरी, हम जिन्ना को समझ लेते हैं, जबकि इन्होंने वास्तुकार ये थे, दिया था जिन्ना लेकिन वास्तुकार ये थे, ठीक है। आ जाओ आगे, निचाहोम कोयला क्षेत्र दोस्तों किस क्षेत्र में पड़ता है, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, झारखंड, क्वेश्चन नंबर 26। निचाहोम कोलफील्ड इज लोकेटेड इन, क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों निचाहोम कोलफील्ड की बात करें, ये जम्मू कश्मीर में, जहां आपको जम्मू कश्मीर में कोयले की उत्तम किस्म एंथ्रेसाइट आपको देखने को मिलेगा, है ना। जबकि कोयले का लगभग 40% प्रोडक्शन आपको कहां, झारखंड, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, कहां है, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ओके। नेक्स्ट, विश्व में चांदी और सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, एक तरफ चांदी है दूसरी तरफ सोने है, चीन, मैक्सिको, चिली, चीन, चीन, पेरू, मैक्सिको, चीन, क्वेश्चन नंबर 27। हु आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड इन द वर्ल्ड, क्या निकल कर आएगा बच्चों, जरा बताओ। तो दोस्तों
चांदी के मामले में मैक्सिको है और सोने के मामले में चाइना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ए मत लगाना क्योंकि पहले चीन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। ठीक है, याद रखियो बिल्कुल। चलिए, वनाच्छादन के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के संबंध में निम्नलिखित राज्यों को उच्चतम से निम्नतम की ओर व्यवस्थित करिए। मतलब परसेंटेज के आधार पर सबसे ज्यादा जंगल आपको कहां देखने को मिलेगा? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। अब इसे चुनिए, करेक्ट जवाब क्या होगा आप बताइए। चलिए, कोरोना के पापा क्या बात। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स फ्रॉम हाइएस्ट टू लोवेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, क्या निकल कर आएगा? मजा आता होगा ऐसे सवाल से ना, नॉलेज बढ़ेंगे, कुछ सीखोगे। तो दोस्तों 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, है ना। तो मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है, कोई चेंज करने की जरूरत कतई ना है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लें। सर 2021 में रिपोर्ट आई भूमि क्षेत्र अनावरण का, जो जंगल भारत में कितना 24.62% है, लगभग 25 मान लें हम। परसेंटेज के मामले में मिजोरम टॉप पे है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे मेघालय है, चौथे पे मणिपुर है, पांचवें पे नागालैंड है। लेकिन अगर आप देखोगे क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों, तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, सबसे कम हरियाणा, सबसे कम हरियाणा। क्लियर है, याद रखिएगा। आ जाइए आगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित झंझीरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ट द झंझीरी मॉस्क्यू लोकेटेड इन जौनपुर उत्तर प्रदेश? हुसैन शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, सिकंदर लोदी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए बताइए, हु बिल्ट द झंझीरी मॉस्क्यू लोकेटेड इन जौनपुर उत्तर प्रदेश? दोस्तों तो आपको याद रखनी चाहिए कि सर जौनपुर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे है ये, और यहीं पे अटाला मस्जिद भी है, अटाला मॉस्क्यू भी है, और अटाला मॉस्क्यू का निर्माण दोस्तों इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। तो इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया और फिर झंझीरी मस्जिद का निर्माण भी इब्राहिम शाह सरकी कराता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, झंझीरी मस्जिद उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर नगर में गोमती के किनारे स्थित एक प्राचीन मस्जिद है, जिसका नाम दोस्तों, जिसका निर्माण 1430 में इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। आप देख सकते हो अब ये पूरा बंजर हो गया, टूट गया। अटाला मस्जिद का भी निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में कराया था, याद रखें। ठीक है, अच्छा आगे। पीट कोयले में कार्बन का प्रतिशत और नमी का प्रतिशत क्या होता है दोस्तों? हाई लो, लो हाई, हाई हाई, लो लो। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, पीट कोल कंटेंस डैश कार्बन एंड डैश मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा बच्चों? पीट कोयले में कार्बन का मात्रा और नमी की मात्रा, तो आपको याद है कि पीट सबसे लो ग्रेड का कोयल होगा, सबसे खराब कोयला होगा, ये झारखंड में दिखेगा आपको। तो जब खराब है तो कार्बन का प्रतिशत क्या होगा? कम होगा, लो होगा, और नमी ज्यादा होगा, जलने में बहुत मुश्किलात आएगा, है ना। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये सबसे अच्छा, कार्बन का प्रतिशत 90 से 95% दोस्तों। ये पीट सबसे खराब, लिग्नाइट को ब्राउन कोल बोलते हैं, भूरा कोयला भी बोलते हैं, है ना, याद रखिए। चलिए जरा कूटिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एक तरफ हेडक्वार्टर्स है, दूसरे तरफ दोस्तों बोर्ड है। गुंटूर, बेंगलुरु, कोटायम, कोलकाता, कॉफी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, टी बोर्ड, रबर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा? चलिए, करेक्ट द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, क्या निकल कर आएगा? एक तरफ हेडक्वार्टर्स है, दूसरी तरफ बोर्ड है।
हाँ जी रत्नाकर जी, लिग्नाइट ब्राउन कोल है पूरा कोयला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करें। कैसे सर? ए का टू गुंटूर तंबाकू बोर्ड है, बी का वन बेंगलुरु कॉफी बोर्ड है, सी का फोर कोट्टायम केरला रबर बोर्ड है, और दोस्तों डी का थ्री कोलकाता चाय बोर्ड है ना। ऑप्शन नंबर पेज करेक्ट। ओके चलिए, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। दोस्तों एक तरफ इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, दूसरे तरफ ईयर है कि यह पॉलिसी कब लाया गया। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 1998, राष्ट्रीय वन नीति 2002 और नेशनल जू पॉलिसी 1988। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए बताइए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, क्या निकल कर आएगा। इस तरह के सवाल से ना चार क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, चार क्वेश्चन। बोलो बात सही है या नहीं? चार क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बोलो बात सही है या नहीं? होते हैं ना। अरे आसान से निकल जाएगा कैसे? देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, हमने कल पढ़ा था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, आपको याद होगा। पहली बार 1952 में लाया गया था, दूसरी बार पॉलिसी 1988 में लाया गया, याद आ रहा है? तो यहां से निकल जाता सी का फोर एक ही है ना। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति की बात करें, ये 1998 है, और राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2002 है। कल पढ़ाया हमने, याद होगा कि पहली फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में, दूसरी फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में पॉलिसी, और फिर 1988 के फॉरेस्ट पॉलिसी को 2018 में चेंज कर दे रहा है ना। डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किसके स्थान लेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2008, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020, या 2000 या 2011। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। क्वेश्चन नंबर 32। तो बच्चों ये क्या निकल कर आएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जल्द ही डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 लेकर आएगा। ये मार्च में, मार्च की रिपोर्ट है ये, जो 2020 के आईटी एक्ट की जगह लेगा, याद रखिए, है ना। ठीक है, अच्छा। तमिल महाकाव्य जीवक चिंतामणि निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? जैन रिलीजन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 33। द तमिल एपिक जीवक चिंतामणि इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स? क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा बच्चों, जरा बताइए। तो तमिल महाकाव्य जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है, कौन बताएगा? जैनिज्म। क्या बात है, बहुत शानदार। जैन धर्म क्या है दोस्तों? जैन धर्म है ना, क्या है दोस्तों? जैन धर्म, याद रखिएगा। तमिल महाकाव्य जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है, और यह जैन मुनि तिरुत कदेवर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है, याद रखिए, है ना। अरे एड मेरे में भी आ रहा है, क्या ही बताऊं। तिरुत कदेवर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है, याद रखना, है ना। अच्छा वाकई, भारत सरकार द्वारा पहली व्यापक जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 1974, 1975, 1976, 1977। क्वेश्चन नंबर 34। द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या होगा? तो दोस्तों ये 1976 है, 16 अप्रैल 1976। 16 अप्रैल को हम लोग रेलवे डे मनाते हैं, आपको याद होगा, है ना। क्यों? 16 अप्रैल 1853 को पहली बार ट्रेन चली थी, याद आ रहा है ना। तो दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये लाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से 78 है, एक साल पहले खत्म कर दिया गया था, गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी। 16 अप्रैल 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई,
इस नीति में दोस्तों जो शारदा एक्ट था ना 1929, उसमें चेंज हुआ है कि विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों की 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई और लड़कियों की 14 से बढ़ाकर 18 कर दी गई। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 किस विषय से संबंधित है? फॉरेस्ट एंड एनर्जी, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन, फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात करें, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, वन और स्वास्थ्य। क्या है दोस्तों? वन और स्वास्थ्य, पढ़ना पड़ेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्चुअली प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को हम फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं और 2023 के थीम है वन और स्वास्थ्य। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन 1971 में विश्व वानिकी दिवस की घोषणा की थी, स्थापना की थी, याद रखिए, है ना, याद के साथ। सारे बच्चे गलती लगाएं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत मजा आया होगा, काफी कुछ सीखा होगा आपने, सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करके जाना, कमेंट जरूर करिएगा ये सेशन कैसा लगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, है ना, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। आपकी बिहार SSC, बिहार पुलिस या जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं GK GS वाला, लगभग तैयारी हो जाएगी आपके 100%। बहुत जल्द आपको सूचना मिलेगी, रात 10 बजे भी क्लास होंगी पॉलिटी की टॉपिक वाइज, ठीक है, काफी सारे बच्चे का डिमांड है तो लेके चलेंगे उसे भी, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।